वेदांत आईएल एंड एफएस स्किल स्कूल बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने की दिशा में यहां औद्योगिक सिलाई एवं वेल्डिंग का उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वेदांत समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल का धन्यवाद, जिन्होंने बालको में एल्यूमिनियम का बड़ा प्लांट स्थापित किया है। तानाखार विधायक श्री रामदयाल उइके ने ये उद्गार वेदांत स्किल स्कूल का अवलोकन कर व्यक्त किए। देखें ये रिपोर्ट। तानाखार विधायक श्री रामदयाल उइके ने वेदांत आईएल एंड एफएस स्किल स्कूल का अवलोकन किया। बालको के प्रशासन महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार, सामुदायिक विकास विभाग प्रबंधक श्री आशीष रंजन और स्किल स्कूल के अधिकारियों ने श्री उइके की अगवानी की। श्री उइके ने सिलाई और वेल्डिंग ट्रेड के विद्यार्थियों से मुलाकात की और प्रशिक्षण का जायजा लिया। आज मैं बालको प्लांट के अंदर जो प्रशिक्षण चल रहा है, बिल्डर्स का, वेल्डिंग का, फैब्रिकेशन का, सिलाई मशीन का, उसे मैं निरीक्षण करने आया था। मैं धन्यवाद देता हूँ अनिल अग्रवाल जी को, उन्होंने हमारे बालको के इतना बड़ा जो प्लांट लगाया और इसके अंदर जो दूर दराज गाँव में 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पढ़कर जो बच्चे काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, उन सबको प्रचार प्रसार करके यहाँ मशीन का प्रशिक्षण दे रहे हैं, बिल्डिंग करने का, बिल्डर करने का, गैस कटिंग का, इलेक्ट्रिकल कटिंग का। इससे हजारों लड़कों को रोजगार मिलेगा। अभी तक 660 लोगों ने प्रशिक्षण दे चुका। छत्तीसगढ़ के लिए बेरोजगारों के लिए खास तौर से बहुत बड़ी सौगात है। मैं पुनः हमारे यहाँ के जीएम साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, सभी ट्रेनर्स को, कि उन्होंने अच्छा एक बेरोजगारों के लिए मानव सेवा के रूप में उनको अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने आज ये देखकर बड़ी खुशी हुई और मैं आश्वासन दिया जीएम साहब को कि मैं अपने तानाखार विधानसभा क्षेत्र से कम 1000 छात्र छात्राओं को यहाँ हम प्रशिक्षण दिलाएंगे। मैं विगत एक सप्ताह से क्षेत्र के दौरे में हूँ। आज ही मैंने लगभग 150 छात्र छात्राओं का सूची मैंने सौंपा है और मुझे जीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उनको हम शिफ्ट वाइज शिफ्ट, जैसे इधर शिफ्ट खाली होगा उन्हें बुलाकर हम प्रशिक्षण देंगे। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं विधानता ग्रुप का और सभी हमारे जीएम साहब का, ट्रेनर साहब का, गुंजन गुप्ता जी को ही बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप एक मानव सेवा की भांति अच्छा काम कर रहे हैं और इससे हमारे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का बेरोजगारी दूर होगा। धन्यवाद।